आपकी आवाज। खबर अमेठी से है। कम समय में शोहरत हासिल करने वाले दोस्त के बिछड़ने से भावुक हुए आरिफ। सारस और आरिफ की दोस्ती लोगों के लिए बनी मिसाल। तकरीबन एक साल पहले मिला था मोहम्मद आरिफ को घायल अवस्था में सारस। इलाज के बाद से आरिफ के साथ ही रहता था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। हाल ही में एक दिवसीय दौरे पर आए हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे आरिफ के घर। वहीं सारस पक्षी को वन विभाग अधिकारी अपने साथ ले गए रायबरेली के ऊंचा हार समस्तपुर पक्षी विहार। वहीं सारस और आरिफ की दोस्ती के किस्से सोशल मीडिया के समंदर में तैरते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पक्षी को कौन आजाद कराएगा। पूरा मामला अमेठी जिला के जामो ब्लॉक के मंडका गांव का। देखिए प्रवीण शुक्ला की खास रिपोर्ट अमेठी से। अरे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है?